हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। तो देखिए, अभी बज रहे सुबह के 8:30 और मैं अब जल्दी उठ गई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जल्दी ही उठूँगी, क्योंकि ओएस का स्कूल चालू हो जाता है और बाद में बहुत गड़बड़ हो जाती है, घर के काम भी नहीं होते हैं कुछ। इसके लिए जल्दी उठ गई और उठकर मैं पहले तो खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अनीस और ओएस दोनों सोए हुए हैं। पापा गोडाउन पे चले गए और मम्मी कल नाना नानी के यहाँ पे ही रुक गए थे और आज अनीस जाकर लेकर आएंगा मम्मी को। तो ओएस उठने से पहले मैं खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि आज हमको जाना है ओएस के स्कूल, क्योंकि उसका जो साइकिल टेस्ट 3 हुआ था उसका जो है आज उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर आने का है और वर्कशीट भी लेकर आने की है। इसके लिए हम 10:30 बजे के आसपास ओएस के स्कूल जाएंगे। इसके लिए मैं पहले ही खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि उस वहाँ से आने के बाद में फिर टाइम हो जाता है, वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम हो जाता है आने के लिए भी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए रहते हैं, इसके लिए वहाँ से आने में तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। और उसके बाद में 12 बजे से ओएस का स्कूल चालू हो जाएगा ऑनलाइन क्लास उसकी, तो बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं पहले ही जल्दी से काम कर ले रही हूँ सब। तो पहला मेरा है कि मेरे को खाना बनाने में हमेशा टाइम होता रहता है, इसके लिए मैं पहले खाना बना रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ फ्लावर गोभी बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि पापा के पैर में मार लगी थी ना, इसके लिए पापा को हम कुछ दूसरा मतलब ऐसा बयाला जो चीज़ रहती है जिससे जख्म पक जाए ऐसी नई चीज़ दे सकते पापा को, इसके लिए मैं ये बना रही हूँ सुबह सुबह गोभी, क्योंकि मम्मी भी नहीं है। मैं मम्मी को पूछती हूँ हमेशा कि मम्मी क्या बनाना है, तो मम्मी बोलते हैं मेरे को ये बना ले वो बना ले, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मम्मी नहीं है यहाँ पे, मेरे को ही मेरे दिमाग से बनाना है, तो मैं बना रही हूँ गोभी। तो गोभी बनाने के लिए मैं पहले रख रही हूँ पानी, जो कि गर्म होने के लिए पानी रख रही हूँ मैं, क्योंकि गोभी को हम सालन में नहीं गलाएंगे, मतलब जो बॉईल करते हैं ना गोभी, हम बॉईल करके नहीं बनाते हैं गोभी को। गोभी को पहले जो मतलब जो इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो होता है घान वगैरह जो भी है, हम इतना साफ नहीं कर सकते कट करने के टाइम में, तो इसके लिए इसको हम पहले ना बॉइल्ड करेंगे पानी अच्छे से, उसके अंदर नमक डालेंगे और 5-10 मिनट के लिए गोभी को उस पानी में डाल के और ढक के रख देंगे। फिर बाद में इसको हम फ्राई करेंगे तेल के अंदर, और फिर जो हमारा मसाला है, जो हमने मसाला मतलब हम मसाले में लेंगे हरी मिर्ची, कोतमीर, और उसमें डालेंगे जीरा और लहसुन, इसका हम प्यूरी बना लेंगे। और फिर बाद में हम टमाटर को भी कट करके नहीं डालेंगे, टमाटर की भी हम प्यूरी बना लेंगे और प्यूरी ही हम उसमें डालेंगे, ताकि हमारा जो टमाटर है वो भी वेस्ट ना हो और टमाटर भी हमारा खाने में आए। वरना अगर हम कट करके डालते हैं ना तो अनीस भी टमाटर नहीं खाता और मेरी भी गलती है, मैं भी टमाटर नहीं खाती हूँ। तो इसके लिए मैं सोचा है कि टमाटर क्यों वेस्ट करने का, इसके लिए हम टमाटर का भी प्यूरी करेंगे और हरी मिर्च का भी प्यूरी करेंगे और वही इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए हम हमारे काम के लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने पानी इधर गर्म के लिए रख दिया है मेरा, जो मैं जिसमें मैं डालूंगी ये गोभी। नमक डालती हूँ मैं इसमें, मम्मी नहीं रहते ना तो घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, मतलब ऐसा सुना सुना घर हो जाता पूरा। मैंने मेरा जो है गोभी को गर्म पानी में से निकाल लिया हूँ बाहर, और मेरा हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट भी तैयार कर दिया है इसके अंदर। हरी मिर्ची में इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है, जीरा डाला है, कोतमीर डाला है और नमक डाला है, और इसमें डाला है मैंने क्या बोलते हैं उसको लहसुन, और इसमें है मेरा टमाटर का प्यूरी और वटाना, और इसमें मैंने हरा धनिया कट किया है और कड़ी लीव्स है। ये कड़ी लीव्स ऐसे क्यों है, क्योंकि हमने इसको सुखा कर रखा है ताकि हमको बहुत दिन तक के जाए, क्योंकि हमने इसको मतलब गांव से लेकर आए थे ना, बहुत ज़्यादा थे और अगर हम वैसे ही अगर रख देते तो ख़राब हो जाता, इसके लिए मम्मी ने इसको पहले सुखाया है और फिर ऐसे मतलब बर्नी में भर के रखे ताकि वो बहुत दिन तक के जाए। और मैंने 4 हरी मिर्च को कट कर लिया है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा अगर बनाए तो। तो चलिए अभी हम करते हैं हमारा काम स्टार्ट। मैंने अभी तेल रख दिया है कढ़ाई में गरम के लिए, उसके बाद में उसमें डालूंगी गोभी और
बताना। तो मैं आज मतलब मॉर्निंग से ही क्यों वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट हो गई, मेरे को अच्छा लग रहा है। असल में मैं जो बना रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वो भी डालूँ। मैं बना रही वो मेरा मॉर्निंग डे आउट रूटीन मेरा, मैं उठने के बाद में मेरा जो है किचन का, मैंने कभी बताई नहीं ज़्यादातर, तो मैं इसके लिए बनाना भी बता रही हूँ कि मैं किचन में जो काम कर रही हूँ वो सब मैं बता रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बताऊँगी। अभी सोया है, अभी उसको मैंने नींद में ही बॉर्नविटा डाल के दूध पिलाया था। अभी वो उठेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि पेट में अगर कुछ रहा ना, बच्चा अच्छा देर तक के सोता है और वो उठ जाता है ना एक बार ओवेस, तो फिर उसको चैन बिल्कुल भी नहीं रहता। वो मस्ती करता, खेलते रहता, बस तर 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 करते रहता। इसके लिए वो सोया रहता है, इसके लिए उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, जिसम को भी उसके दिमाग को भी। तो उसको हम जल्दी नहीं उठाते हैं, नींद में ही उसको मैंने बॉर्नविटा वाला दूध पिला दिया था सुबह में, ताकि वो अच्छी देर तक के सोए। और मम्मी नहीं थे तो कल से चिड़चिड़ कर रहा, अम्मी कब आएंगे, अम्मी कब आएंगे। तो उसको मैंने बोला कि आज हम अनिस जाकर अम्मी को लेकर आएंगा, तो आज अनिस जाएंगा और अम्मी को लेकर आ जाएगा। घर भी बहुत सुना होता है अम्मी के बिना, और मैं भी, मेरा भी दिल नहीं लगता है घर, मतलब हम बाहर नहीं जाते ना कि घर में ही रहते हैं, तो बहुत बोर हो जाती मैं अम्मी नहीं रहते तो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अभी पक रहा है, मैंने इसमें टमाटर का प्यूरी अभी अभी छोड़ा है, तो इसको अभी तेल आने के बाद में हम इसमें डालेंगे हमारा गोभी और मटर। मैंने इतनी मिर्ची साइड में निकाल के रख दी है, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो अनिस खाएंगा नहीं और पप्पा भी नहीं खाएंगे, इसके लिए मैंने मिर्ची को साइड में निकाल के रख दिया है। जो हमारा छोटा बर्तन है, हम इसको बेसिंग में डाल देंगे। मैं ये वीडियो जिसके लिए निकाल रही हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हो रहे यूट्यूब पे आने के लिए, और मैं यूट्यूब पे इस वजह से आई क्योंकि मैंने पहला जब वीडियो बनाया था ना मेरा, तो मेरे को अच्छा लगा था कि मतलब ऐसा एक अकेलेपन को दूर करने का रास्ता मेरे को मिला था। मैं जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए जाती थी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, फिर मेरे बच्चे के साथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और ये मतलब जब वो छोटा है, वो छोटे से बड़ा कैसे हो रहा, क्या हो रहा मेरे, मतलब मैं नाइट ड्यूटी करती थी, डे ड्यूटी करती थी, तो मेरे को घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था उसके साथ में रहने के लिए, उसके साथ में टाइम बिताने के लिए। और अभी तो ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी पढ़ाई बड़ी हो रही, और अगर मैं उसकी पढ़ाई पे ध्यान ना दूँ तो ना वो कैसा है ना, मतलब जब हम एक, मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हम कोई पौधा लगाते हैं और उसको, जब वो पौधा बीज होता है, हम उस, मतलब उसको अगर हम अच्छे से पानी अगर नहीं डाले तो वो बड़ा नहीं होता है झाड़। वैसे ही ऐसा है ना फ्रेंड्स, कि जब मेरा बच्चा भी छोटा है, अभी से तो जूनियर के जी में है, तो अभी मैं उसको पढ़ाई में उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी ना, तो मतलब उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी है ऑनलाइन स्कूल है मोबाइल के ऊपर, आप सभी को पता है कि मोबाइल पर स्कूल चल रही है, तो टीचर लोग का क्या गलती उसके अंदर, वो तो उस पार बैठ के पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन इधर से हम ही को उसको सिखाना है, हम ही को उसको बताना है, नहीं बेटा इसको ऐसा लिखते, इसको ऐसा पढ़ते। तो अगर मैं उसके पास ना रहूँ, मैं अगर ड्यूटी में ही गुते भी रहूँ, बाहर ही गुते भी रहूँ, तो मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो फ्यूचर ही नहीं रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ मतलब ऐसा वर्कर बन के रह जाएंगे। और मेरा सपना ये नहीं कि मैं मेरे बच्चे को वर्कर नहीं बनाना चाहती, मैं सिंगल मदर है और मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ इंशाल्लाह, और मैं बना के रहूँगी, अल्लाह मेरा साथ है। मेरे को रोना आ गया उसका सोच के, तो मैं इंशाल्लाह उसको डॉक्टर बनाऊंगी और ज़रूर बनाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अल्लाह मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है जो सुनने वाला है, मैं उसको डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगी। और क्या होता है, बाप ने छोड़ दिया, माँ तो है ना उसके पास में, और ये सब में बड़ी दौलत है, माँ सब में बड़ी दौलत है। बाप क्या है, बाप तो हज़ार शादियाँ कर लेंगे उधर, लेकिन माँ उसके लिए एक सिंगल माँ बड़ा बना के दिखाएंगी उसको। सॉरी, अभी सोया है और मेरे एकदम जिगर के अंदर है मेरा बच्चा, इसके लिए मैंने ड्यूटी छोड़ी कि नहीं मेरे बच्चे का नुकसान नहीं होने दूंगी मैं, उसके फ्यूचर का नुकसान नहीं होने दूंगी मैं, इसके लिए मैंने ड्यूटी छोड़ी। और घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोर होती थी, इसके लिए मेरे को एक, मतलब इसी वीडियो देखते देखते कैसे आइडिया आया, अरे मैं भी तो वीडियो बना सकती ना, मैं मेरा वीडियो बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी,
इसके लिए मैं वीडियो बनाने लगी और देखो अच्छा लग रहा वीडियो बना के, जो मेरा है मेरे फ्रेंड्स बन रहे और आप सभी मेरे को ना पहचानते हुए मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड बन रहे, मेरे को बहुत खुशी हो रही दिल को। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगी। ऐसा नहीं है, मैं नमाज वो सब पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, क्योंकि वही तो है हमारा रब जो हमको बड़ा करे, तो हम उसको भी नहीं भूलेंगे। हम नमाज भी पढ़ते हैं, सब करते हैं और ये एक टाइम पास है मेरा दिल बहलाने के लिए मैं कर रही हूँ ये, कि नहीं बोर हो जा रही घर में, और बोर होते होते मैं पहले डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और मैं अभी नहीं जाना चाहती, इसके लिए मैं दिल को बहला रही हूँ मेरे। तो ये तरीका है मेरा कि मैं आप सब से बात करती हूँ, जो मेरा मॉर्निंग डेली रूटीन है मेरा वो मैं शेयर करती हूँ। तो ऐसा है मेरा डेली रूटीन। फ्रेंड्स हमारी सब्जी अब बन चुकी है, हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने जो बॉइल्ड पानी में मैंने गोभी डाल दिया था तो वो पक चुकी है हमारी गोभी भी, ज़्यादा नहीं पकी है जैसी हमको नहीं पकानी थी। तो ऐसे ही गोभी बहुत टेस्टी लगती है, और ज़्यादा गिलगिल गोभी हो जाती है ना वो नहीं अच्छी लगती है, इसके लिए हम ऐसे ही बनाते हैं। अब इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, इसी तरीके से इसको रहने दूंगी 5 मिनट, इसको और पकने दूंगी और फिर गैस को बंद कर दूंगी। अभी मेरा गैस का जो फ्लेम है एकदम धीमे है और मैं इसी धीमी आंच में इसको पकने दूंगी और फिर बाद में गैस मेरा बंद कर दूंगी। तब तक कि हम ओवेस को उठाते हैं, देखते हैं ओवेस कहाँ। ओ ओ ओ मम्मा, ए ओ मम्मा, कैसा सोया हो? ओ मम्मा, उठी मम्मा, ए ओ मम्मा, उठ उठना मम्मा। मैं इतनी गड़बड़ में निकल रही हूँ अभी फ़िलहाल, जैसे कि प्लान था, मैंने सुबह में बोला था कि मैं आज ओवेस के स्कूल जाऊँगी, लेकिन ओवेस के स्कूल से फ़ोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जब मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी तब वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने बोले थे। तो आज उनका फ़ोन आया था कि आज आप आ रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ क्योंकि सबमिट करने हैं। लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई भी एक के बाद एक परेशानी मेरे, मतलब एक कई परेशानी अंदर, तो वो परेशानी वेट करती है दूसरी परेशानी का कि जब तू बाहर निकलेंगी तो चल मैं अंदर जाऊंगी, क्या करूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब परेशानियां मेरे ऊपर ही क्यों आ रही है। अभी मैं जा रही हूँ कलेक्टर ऑफिस ओवेस के जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाने के लिए। आधार कार्ड मैंने ओवेस का बना लिया था तो स्कूल में सबमिट करने हैं, मेरा आधार कार्ड, ओवेस का आधार कार्ड और फादर का भी आधार कार्ड बोले थे उन्होंने, लेकिन मैंने उनको बोला कि ओवेस को फादर नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ तो चलेगा मेरा आधार कार्ड। तो मैम बोले हाँ मैम चलेगा आपका आधार कार्ड। तो अभी मैं जा रही हूँ ओवेस के जो भी है दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को दिए हैं, मैं उनसे बोली हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी, तो उन्होंने मेरे को दिए है 3 दिन का टाइम दिए है, तो इंशाल्लाह ये 3 दिन में अल्लाह ने मेरा वो जो भी है काम कर देना ओवेस का, मेरे बच्चे के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो बन जाना। आप सभी दुआ कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जल्दी से बन जाना, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब अनीस गया है, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, अभी अनीस बाइक पर गया और मैं मेरी गाड़ी पर जाऊँगी। ओवेस को अम्मी के पास में नानी के घर छोड़ देंगे और वहाँ से फिर मैं आगे मैं और अनीस जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। मैं अगर अकेली रहती तो कुछ भी नहीं कर पाती, ये मेरे को पता है, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा है, मेरे पेरेंट्स है, मेरा भाई है, तब मेरी हिम्मत है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं अकेली रहती ना गाइस तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, शायद ही मैं मरी जाती अभी तक, या जिंदा भी नहीं रहती। लेकिन मेरे को सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, उनको हमारे साथ में अच्छा रखे, उनको अच्छी सेहत आता फरमाए। तो चलिए अभी मैं निकल रही हूँ घर से। जो काम से बन था देखिए फ्रेंड्स, मैं भी अपने घर आ गई हूँ और सच्ची मैंने जो सुबह में बोला था ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत मेरा दरवाजे के बाहर खड़े ही रहती है कि चल तू वापिस आ जा, मेरे को भी जाने का अंदर।
तो वैसा कुछ हो रहा मेरे साथ में। हम गए तो कलेक्टर ऑफिस ही बंद था, तो हम आ गए वापस, अब कल जाएंगे इंशाल्लाह। ओवेस के पेपर जल्दी से जल्दी बनना ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 ही दिन का मेरे को वक्त दिए मैम ने कि डेट तो चली गई, बोले लेकिन हम तुम्हारे लिए 4 दिन का हम टाइम देते हैं बोले आपको। मैंने उनको बोला ना कि मेरे नानी का भी ऐसा होगा, मेरे दादी का भी ऐसा होगा, तो हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैम। सो उन्होंने मेरे को बोले कि हम तुम्हारी कंडीशन को देख के 4 दिन का हम आपको टाइम देते हैं। तो मेरे को उन्होंने 4 दिन का टाइम दिए, अब देखते हैं कल जाके इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा उतना काम कर देना, मेरे बच्चे के पेपर बन जाना पूरे। ये देख क्या लाया इसने, ये पपीत, क्या बोलते हैं इसको, पपीत। हम फिर नाना नानी के यहाँ पे थे अभी तक, फिर वहाँ पे चाय वगैरह पीकर फिर इधर आए। पपीत, अच्छा ये पपीत ले आए ना, कितने का है? 70 रुपए का, 80 बोला था लेकिन 10 रुपए का, 10 रुपए कम किया। पपीत है ना, पपीत, खुश है तू? तो ऐसा कुछ गुजरा मेरा दिन। घर पे भी मतलब मेरा बहुत ज्यादा काम हो जाता था, अगर मैं गड़बड़ गड़बड़ नहीं जाती ना तो बहुत ज्यादा काम हो जाता था मेरा। और जो हमारे मतलब सिंगर थे इतने बड़े, लता मंगेशकर दीदी, तो वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके बहुत इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग है उनके, लेकिन अभी वो हमारे बीच में नहीं है, इस वजह से सरकारी हॉलीडे है तो करके बंद था कलेक्टर ऑफिस भी। इंशाल्लाह कल जाऊंगी, तो कल देखते हैं, अभी कल मेरे को करना ज़रूरी है। कल अगर मैं पेपर बनाने के लिए डाल दूंगी तो 2-3 दिन में तो मेरे को बनाकर मतलब उसका, अगर मेरे को थोड़ा सा भी कुछ सबूत दे देते हैं वो पेपरों का, तो मेरा काम इधर बन जाता है ना। तो मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह और करूंगी वो उतना काम मेरे को। कल मेरा 3 भी उधर पूरा चले जाएंगा तो मेरे को चलेगा, लेकिन कल मैं उतना काम करूंगी। और देखिए अभी बज रहे हैं 5:30 शाम के, और अभी 6 बजे उसका ट्यूशन है। तो चलिए मैं उसको अभी बनाती हूँ चाय, बनाती हूँ चाय के साथ उसको दोस्त खिलाती हूँ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होंगी आप कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। I love you. I love you.